मुल्क में बहरान पैदा होने वाला है। आइंदा एक माह मुल्क के लिए बहुत अहम है। उम्मीद है कि फरवरी के आखिर तक इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का खिताब, बोले सब जानते हैं वो कौन था जिसके फैसले से मुल्क में बहरान आया। मुल्क में इंतखाबात का कोई इम्कान नहीं, मुस्लिम लीग के सरबराह चौधरी शुजात ने बता दिया। अब्दुल गफूर हैदरी से मुलाकात के दौरान कहा, पंजाब में असेंबली तहलील नहीं होगी, अपनी अपनी बोली बोलने की बजाय मुल्क के मसाइल हल करें। हिरोशिमा के बाद जापान मौशी तौर पर सुपर पावर बन गया। सियासी ट्राइका ने तोशाखाना, एवानों, अदालतों, मईशत, इखलाकियातों, तालीमी निज़ाम को तबाह कर दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का खिताब, कहा कि हुक्मरानों के मुंह से एस्टैब्लिशमेंट का फीडर हटा दिया जाए तो मस्नूई लीडर ख़त्म हो जाएंगे। अगर इन हल्का बंदियों पर बल्दियाती इलेक्शन हुए तो नतायज तस्लीम नहीं करेंगे। एमक्यूएम के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी की फारूक सत्तार से मुलाकात में गुफ्तगू। फारूक सत्तार ने कहा कि इन हालात में इंतखाबात हुए तो फिर ना होने के बराबर हैं। फारूक सत्तार ने एमक्यूएम के एहतजाज में शिरकत की दावत कबूल कर ली। हम किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे, चेयरमैन मुहाजिर कौमी मोमेंट आफाक अहमद की गुफ्तगू। वाज़े किया कि एमक्यूएम के इंजमाम के हवाले से आमिर खान से कोई राबता नहीं हुआ। मेरे और मुत्तहिदा के नज़रियात मुख्तलिफ हैं। शहर में डकैती की बढ़ती हुई वारदात, वजीर आला सिंध मैदान में आ गए फिर से एक बार। कहा, शहर को क्रिमिनल्स के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता, चाहता हूँ कि सिटी पुलिस स्ट्रीट क्राइम के खात्मे को अपना मिशन बनाए। कराची को मस्जिद लावारिस नहीं छोड़ा जा सकता, अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, एमक्यूएम में धड़े बन गए थे, अब मिल रहे हैं, लेकिन सीट एडजस्टमेंट कागजात नामजदगी के वक्त हो सकती थी। साबिक वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि मुल्क दिवालिया होने के दहाने पर है। ज़रए मुबादला के ज़खायर खतरनाक हद तक गिर चुके हैं। अपने बयान में कहा कि इस इम्पोर्टेड हुकूमत की नाहली और लापरवाही की वजह से ज़खायर की सतह मौजूदा खतरनाक हद तक कम है। आइंदा इंतखाबात से पहले उबूरी हुकूमत ने आना है, 3 माह पहले इंतखाबात होने से क्या हो जाएगा। साबिक चेयरमैन FBR शब्बर जैदी की गुफ्तगू, कहा, मौशी सूरत हाल की वजह से हुकूमत मार्च तक ख़त्म हो जाएगी, आने वाली हुकूमत को IMF से मुज़ाकरात करना होंगे। और बल्दियाती इदारों को मजाक बना दिया गया, बल्दिया जिला शर्की और कोरंगी का एडमिनिस्ट्रेटर कौन, बल्दियाती इदारों में नई बहस छिड़ गई। महकमा बल्दियात से ने MQM की सिफारिश पर लगाए गए एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती के ऑर्डर रोक दिए, लेकिन MQM की सिफारिश करदा अफसरान एडमिनिस्ट्रेटर के ओहदों पर मौजूद।